हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुतुस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बासुंदी की रेसिपी। ना मावा, ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क, सिर्फ दूध में से ही आज हम बासुंदी बनाएंगे। इसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है, जिससे बासुंदी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बासुंदी का टेक्स्चर एकदम गाढ़ा, क्रीमी और मावे जैसा दानेदार आएगा। तो बासुंदी बनाने में काफ़ी आसान है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बासुंदी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट ही लेना है, जिससे बासुंदी एकदम क्रीमी बनेगी। अब दूध को गर्म करना है, गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखा हुआ है, तो बीच बीच में चलाते रहे, जिससे दूध पैन में चिपक ना जाए और दूध में एक बॉयल आ जाए तब तक गर्म करना है और चलाते रहना है। ये देखिए, दूध में एक बॉयल आ चुका है और दूध उबलना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखा हुआ है। पैन के साइड्स में जो मलाई है उसको लगातार स्क्रैप करते हुए दूध में मिक्स करते रहना है, जिससे दूध गाढ़ा होता जाएगा। अब इसमें डालेंगे केसर, मिक्स कर देंगे। अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो आप केसर की जगह पे चुटकी हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चुटकी हल्दी पाउडर डालने से बासुंदी में हल्दी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, पर इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आपने दूध जितना लिया है उससे आधा यानी कि 50% उबाल लेना है, तो थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहे और दूध को उबालते रहे और पैन के साइड्स में जो मलाई है वो निकाल के दूध में मिक्स करते रहे। रबड़ी भी ट्रेडिशनली इसी तरह से बनती है। रबड़ी और बासुंदी में फ़र्क ये है कि रबड़ी को ज़्यादा उबालते हैं और इसका टेक्सचर थिक और मलाईदार होता है, जब बासुंदी का टेक्सचर थोड़ा पतला और क्रीमी होता है। दूध उबल रहा है। अब जो मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात की थी वो है सोजी। हाँ, 1 टेबलस्पून सोजी को 3 से 4 टेबलस्पून ठंडे दूध में भिगो के रखना है, जिससे सोजी अच्छी तरह से फूल जाए, दूध उबलना शुरू हो जाए, तब ये प्रोसेस कर लेनी है। अगर आप सोजी नहीं डालना चाहते हैं तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। सोजी के बगैर भी बासुंदी उतनी ही टेस्टी बनती है। अब जो दूध उबल रहा है उसको देख लेते हैं, तो करीब 7 से 8 मिनट जैसा हो चुका है और आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है। अभी दूध को ज़्यादा उबलना है और बीच बीच में चलाते रहना है। ये देखिए, दूध उबल चुका है और करीब इसकी क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे जो हमने सूजी को दूध में भिगो के रखा था वो ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए दूध को उबालना है, जिससे सूजी अच्छे से दूध में कुक हो पाए। सूजी दूध में डालने से बासुंदी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बासुंदी का टेक्सचर एकदम गाढ़ा और दानेदार बनता है। ये देखिए, दूध अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून शुगर और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इन सबको मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए उबालना है, जिससे शुगर मेल्ट होके दूध में अच्छे से मिक्स हो पाए। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। शुगर भी दूध में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हुए नट्स, काजू बादाम और पिस्ता लिया है मैंने, मिक्स कर देंगे। बासुंदी अब तैयार हो चुकी है। अब ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एकदम ठंडा हो जाने देंगे। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी बीच बीच में चलाते रहे, ताकि दूध के ऊपर मलाई की लेयर ना आ जाए। इसमें हमने केसर डाला है, सूजी डाली है, जिससे बासुंदी का कलर और टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आया है। तो बहुत ही क्रीमी, गाढ़ी और डिलीशियस बासुंदी तैयार है। तो ठंडी या गर्म जैसे ही बासुंदी पसंद हो वैसे सर्व कर सकते हैं। सिर्फ दूध और शुगर में से बनाई हुई ये बासुंदी बनाने में काफ़ी आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नई नई और यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।